हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल एक्सपी क्लासेस में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसे जो पॉल्यूशन पर है और ये एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, अक्सर इंटरमीडिएट एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं ऐसे से। पॉल्यूशन, पॉल्यूशन माने प्रदूषण। तो शुरुआत करते हैं, इसकी जो पहली हेडिंग है वो है इंट्रोडक्शन यानी प्रस्तावना। तो पॉल्यूशन हैज़ बिकम अ सीरियस प्रॉब्लम फॉर द वर्ल्ड, कि पॉल्यूशन हैज़ बिकम अ सीरियस प्रॉब्लम फॉर द वर्ल्ड, कि फॉर द वर्ल्ड यानी संसार के लिए पॉल्यूशन एक गंभीर, सीरियस माने गंभीर, प्रॉब्लम माने समस्या, कि पॉल्यूशन संसार के लिए गंभीर समस्या हो चुकी है। तो दिस प्रॉब्लम इज द कॉज ऑफ टू मच इंटरफेरेंस ऑफ मैन विद नेचर, कि दिस पॉल्यूशन, दिस प्रॉब्लम इज द कॉज ऑफ, ये प्रॉब्लम जो है इज द कॉज ऑफ मीन होता है कारण, टू मच इंटरफेरेंस, इंटरफेरेंस मीन होता है हस्तक्षेप, कि बहुत अधिक हस्तक्षेप जो है मनुष्य का प्रकृति के साथ, यही इसका पोल्यूशन का कारण है, कि जो मनुष्य ने प्रकृति के साथ बहुत अत्यधिक इंटरफेरेंस कर दिया, हस्तक्षेप कर दिया प्रकृति में, उसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो रही है। तो एज अ रिजल्ट, परिणाम स्वरूप एनवायरमेंट विच इंक्लूड्स एयर वाटर सॉयल एटसेट्रा हैज बीन पोल्यूटेड, परिणाम स्वरूप एनवायरमेंट यानी पर्यावरण, विच इंक्लूड्स, जो इंक्लूड करता है यानी जोड़ता है, जिसमें क्या क्या आता है, एयर वाटर सॉयल यानी हवा पानी और मिट्टी एटसेट्रा हैज बीन पोल्यूटेड, वो पोल्यूटेड हो चुका है, यानी एनवायरमेंट के ये तीनों तत्व पोल्यूटेड हो चुके, प्रदूषित हो चुके। इफ एनवायरमेंट इज पोल्यूटेड ऑल सॉर्ट्स ऑफ लाइफ सच एज ह्यूमन एनिमल एंड वेजिटेशन इज अफेक्टेड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। इफ एनवायरमेंट इज पोल्यूटेड, अगर एनवायरमेंट पोल्यूटेड होता है तो ऑल सॉर्ट्स ऑफ लाइफ, कि सभी प्रकार का जीवन, सॉर्ट्स माने प्रकार, जैसे कि ह्यूमन यानी मनुष्य, एनिमल और वेजिटेशन माने वनस्पति, ये सारी चीजें इज अफेक्टेड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, ये सारी चीजें या तो प्रत्यक्ष रूप से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली यानी अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होता है। अगर एनवायरमेंट पॉल्यूटेड है तो ये सारी चीज़ें प्रभावित होती हैं, या तो डायरेक्टली होती हैं या डायरेक्टली। तो स्टेप बाय स्टेप द प्रीसियस गिफ्ट्स ऑफ नेचर आर बीइंग डिस्ट्रॉयड, स्टेप बाय स्टेप यानी एक एक करके, द प्रेसियस गिफ्ट यानी कीमती जो उपहार है प्रकृति का ऑफ नेचर आर बीइंग डिस्ट्रॉयड, ये नष्ट किए जा रहे हैं, जो प्रकृति के कीमती उपहार हैं ये नष्ट किए जा रहे हैं। ह्यूमन लाइफ इज बीइंग शॉर्टेंड बाय द पॉल्यूटेड एयर वी ब्रीथ, और ह्यूमन लाइफ इज बीइंग शॉर्टेंड, जो मनुष्य का जीवन है, ह्यूमन लाइफ है, वो इज बीइंग, हो रही है, शॉर्टेंड माने कम, कि वो कम की जा रही है यानी कम हो रही है, बाय द पॉल्यूटेड एयर वी ब्रीथ, उस हवा के द्वारा जो हम श्वास लेते हैं, इसको ब्रीथ करते हैं, एंड अनहेल्दी वाटर वी ड्रिंक, और वो अस्वास्थ्य कर, अनहेल्दी माने वह जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो, अनहेल्दी वाटर वी ड्रिंक, और उस पानी से जो अनहेल्दी पानी है जो हम पीते हैं, तो उससे जीवन हमारा छोटा हो रहा है। नेक्स्ट हेडिंग है, देयर आर थ्री काइंड्स ऑफ पोल्यूशन, अब काइंड्स ऑफ पोल्यूशन यानी तीन प्रकार का पोल्यूशन है, एयर पोल्यूशन, तो पहला जो है एयर पोल्यूशन है, तो एयर पोल्यूशन इज कॉज्ड बाय द स्मोक कमिंग आउट ऑफ द चिमनीज ऑफ फैक्ट्रीज मिल्स एंड वर्कशॉप एटसेट्रा। अब एयर पोल्यूशन इज कॉज्ड बाय, ये किसके कारण होता है, कॉज्ड बाय द स्मोक, धुएं के कारण, कमिंग आउट ऑफ द चिमनीज, जो चिमनी वगैरह से जो धुआं आता है, जैसे ऑफ फैक्ट्रीज, फैक्ट्री की चिमनी से और मिल्स की और वर्कशॉप वगैरह की चिमनियों से जो धुआं निकलता है, उसके कारण एयर पोल्यूशन होता है। मिल्स प्रोड्यूसिंग केमिकल्स एंड एसिड गिव आउट सच अ फॉल स्मेल दैट इट बिकम्स डिफिकल्ट टू ब्रीथ। अब मिल्स प्रोड्यूसिंग केमिकल, अब वे मिलें जो केमिकल प्रोड्यूस करती हैं, उत्पन्न करती हैं और एसिड उत्पन्न करती हैं, गिव आउट, वो बाहर निकालती है, गिव आउट बाहर देती है, क्या देती है, सच अ फॉल स्मेल, ऐसी गंदी स्मेल, फॉल माने गंदी, बेकार स्मेल, कि दैट, कि इट बिकम्स डिफिकल्ट टू ब्रीथ, कि सांस लेना भी डिफिकल्ट हो जाता है, कठिन हो जाता है। एयर पोल्यूशन में कॉज लंग डिसीजेज, एयर पोल्यूशन से लंग डिसीजेज हो सकती हैं, अस्थमा हो सकता है, आई फ्लू हो सकता है यानी आंखों का रोग हो सकता है, हेडेक यानी सिर दर्द भी हो सकता है, तो इस वजह से ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। नेक्स्ट हेडिंग है वाटर पोल्यूशन यानी जल प्रदूषण। तो वाटर इज द बेसिस ऑफ लाइफ, कि जो पानी है वो जीवन का बेसिस है, आधार है, वाटर इज द बेसिस ऑफ लाइफ,
इट इज द ग्रीड ऑफ मैन टू गेट मोर एंड मोर मनी पॉल्यूट्स इट, इट इज द ग्रीड ऑफ मैन, ये मनुष्य का ग्रीड है, लालच है, टू गेट मोर एंड मोर मनी, टू गेट माने पाना, कि ज्यादा से ज्यादा पैसे पाने का ये मनुष्य का लालच है, पॉल्यूट्स इट, कि जो इसको पॉल्यूट करता है, यानी मनुष्य का अधिक से अधिक धन कमाने का, जो धन पाने का जो लालच है वही इसको पॉल्यूट करता है. द ओनर ऑफ द इंडस्ट्रीज डंप वेस्ट मटेरियल आइदर ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ और इन कैनल्स और रिवर्स. जो ओनर, ओनर माने मालिक, ऑफ द इंडस्ट्रीज, जो इंडस्ट्रीज के मालिक हैं, डंप, वो डंप कर देते, यानी खुला छोड़ देते, वहाँ इकट्ठा कर देते, जमा कर देते वेस्ट मटेरियल को, आइदर, या तो, आइदर माने या तो, ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ, पृथ्वी की सरफेस पर, सतह पर, और अथवा इन कैनल्स और रिवर्स, या कैनल्स माने नहर और नदियों पर डंप कर देते हैं. सो वाटर इज पॉल्यूटेड, इसलिए वाटर जो होता है पॉल्यूटेड हो जाता है. पीपल यूज दिस पॉल्यूटेड वाटर एंड इनवाइट अ नंबर ऑफ डिसीजेस, लोग इस पॉल्यूटेड वाटर को प्रयोग करते हैं एंड इनवाइट और आमंत्रित करते हैं कई डिसीजेस को, बीमारियों को. नंबर ऑफ डिसीजेस माने कई बीमारियों, इनवाइट मीन आमंत्रित करना. नेक्स्ट, तो ये हो गया, ये हेडिंग. हाँ, नेक्स्ट देखते हैं, नॉइज पॉल्यूशन. अब ध्वनि प्रदूषण, तो नॉइज पॉल्यूशन इज डेंजरस टू लाइफ. नॉइज पॉल्यूशन, ध्वनि प्रदूषण जो है वो जीवन के लिए बहुत डेंजरस है, घातक है. इट इज सेड दैट, ये कहा जाता है कि नॉइज मोर देन 80 डेसिबल्स कॉजेज डीफनेस, कि वह नॉइज जो मोर देन 80 डेसिबल, जो 80 डेसिबल से अधिक है, कॉजेज कारण बनती है डीफनेस, यानी बहरेपन का कारण बनती है, एंड अदर डिसीजेस और अन्य बीमारियों का. ये कहा जाता है कि जो ध्वनि 80 डेसिबल से अधिक होती है वो बहरेपन और अदर डिसीजेस का कारण बनती है. इन लार्ज सिटीज द रोर ऑफ व्हीकल इज अनबियरेबल. अब बड़े बड़े शहरों में, लार्ज सिटीज, द रोर माने दहाड़ना, व्हीकल्स, अब वाहनों का दहाड़ना यानी वाहनों की जो ध्वनि है वो क्रिएट नॉइज पोल्यूशन, वो क्या करती है. इन लार्ज सिटीज द रोर ऑफ व्हीकल्स इज अनबियरेबल, कि जो वाहनों की जो आवाज है, रोर है, वो अनबियरेबल हो जाती है, असहनीय हो जाती है. इंजन एंड हॉर्न्स ऑफ व्हीकल्स क्रिएट नॉइज पोल्यूशन. अब जो इंजन है और हॉर्न है व्हीकल्स के, वाहनों की, वो नॉइज पोल्यूशन को क्रिएट करते हैं, विच इज हार्मफुल फॉर फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ, कि जो हार्मफुल होता है, घातक होता है, नुकसानदेह होता है फिजिकल, शारीरिक, मेंटल और मानसिक स्वास्थ्य के लिए, हेल्थ के लिए. इसलिए इंजन और इंजिन एंड हॉर्न्स ऑफ व्हीकल, जो इंजन और हॉर्न्स ऑफ व्हीकल यानी वाहनों की जो ध्वनियाँ वगैरह हैं, उससे नॉइज पोल्यूशन होता है, जो शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है. नेक्स्ट हेडिंग, हाउ टू चेक पोल्यूशन. अब पोल्यूशन को कैसे चेक करें, रोकें, चेक मीन होता है रोकना. तो टू चेक पोल्यूशन यानी पोल्यूशन को चेक करने के लिए, वी शुड टेक स्ट्रिक्ट स्टेप, हमें स्ट्रिक्ट स्टेप लेना चाहिए, यानी बहुत जोरदार, कठोर कदम, स्टेप्स माने कदम उठाना चाहिए हमें. द डेब्रिस ऑफ इंडस्ट्रीज should not be dumped on the surface of the earth or in the rivers. अब जो debris of industries, जो उद्योगों का जो कचरा है, debris माने होता है कचरा, जो कचरा है उद्योगों का, should not be dumped, उसको dump नहीं किया जाना चाहिए, on the surface of the earth or in the river, या तो धरती के surface पर या नदियों में उसको dump नहीं किया जाना चाहिए, यानी उद्योगों का कचरा धरती के ऊपर या नदियों में dump ना किया जाए, इकट्ठा ना किया जाए. इट शुड बी डिस्ट्रॉयड बाई यूजिंग सुइटेबल केमिकल. इट शुड बी डिस्ट्रॉयड, इसको डिस्ट्रॉय किया जाना चाहिए, बाई यूजिंग सुइटेबल माने उचित केमिकल्स माने रासायनिक तत्व, इसको उचित रासायनिक तत्वों का प्रयोग करके डिस्ट्रॉय किया जाना चाहिए. वन मेजर स्टेप टू चेक पॉल्यूशन इज टू क्रिएट अ टेक्नोलॉजी फॉर इन्वेस्टिगेटिंग एंड एक्टिंग ऑन कंप्लेंट्स ऑफ इररिस्पॉन्सिबल यूज ऑफ टेक्नोलॉजी. अब जो एक बहुत बड़ा स्टेप है, मेजर स्टेप है टू चेक पोल्यूशन, पोल्यूशन को रोकने का, वो इज है टू क्रिएट अ टेक्नोलॉजी. वो क्या है कि एक ऐसी टेक्नोलॉजी को क्रिएट किया जाए, रचा जाए, ऐसी टेक्नोलॉजी की रचना की जाए कि जो फॉर इन्वेस्टिगेटिंग, जांच पड़ताल करने के लिए, एंड एक्टिंग और कार्य करने के लिए, ऑन कंप्लेंट्स ऑफ इररिस्पॉन्सिबल यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, कि जो टेक्नोलॉजी का इररिस्पॉन्सिबल यानी गैर जिम्मेदाराना जो प्रयोग हो रहा है, उसके खिलाफ जो कंप्लेंट्स आ रही हैं, शिकायतें आ रही हैं, उन पर एक ऐसी टेक्नोलॉजी विकसित की जानी चाहिए जो इन्वेस्टिगेट करे, उसकी जांच पड़ताल करे उन शिकायतों की, और उन पर एक्टिंग करे, काम करे.
एक ये बहुत बड़ा स्टेप है कि ऐसी एक टेक्नोलॉजी विकसित की जाए जो जांच पड़ताल और काम करने का काम करे, उन इरिस्पॉन्सिबल यूज ऑफ जो कंप्लेंट्स होती हैं टेक्नोलॉजी का जो गैर जिम्मेदाराना प्रयोग होता है उस पर वो इन्वेस्टिगेट करे और जांच करे, ऐसी टेक्नोलॉजी विकसित की जानी चाहिए। मैनी पीपल यूज न्यू टेक्नोलॉजीज विदाउट कीपिंग इन माइंड देयर लॉन्ग टर्म इल इफेक्ट्स। अब कई लोग यूज करते हैं टेक्नोलॉजी का, मैनी पीपल यूज न्यू टेक्नोलॉजी, कई लोग नई तकनीकों का प्रयोग करते हैं विदाउट कीपिंग इन माइंड, बिना ये चीज दिमाग में रखें, दिमाग में कीप करे हुए, कीप मीन होता रखना, देयर लॉन्ग टर्म इल इफेक्ट, कि उनका लंबे समय तक अगर प्रयोग हुआ तो इल इफेक्ट होगा, बुरा प्रभाव पड़ेगा, तो इसको बिना दिमाग में रखे वे टेक्नोलॉजी नई तकनीकों का प्रयोग करते हैं। तो सोसाइटी हैज टू सफर फॉर एयर पोल्यूशन कॉज्ड बाय द प्राइवेट एंड गवर्नमेंट इंडस्ट्री। अब सोसाइटी हैज टू सफर, सोसाइटी को झेलना पड़ता है, कष्ट झेलना, सफर भी होता है कष्ट झेलना, सोसाइटी को कष्ट झेलना पड़ता है फॉर एयर पोल्यूशन, ये पर्यावरण प्रदूषण का यानी वायु प्रदूषण का जो कष्ट है वो समाज झेलता है, कॉस्ट बाय द प्राइवेट एंड गवर्नमेंट इंडस्ट्री। अब जो प्राइवेट और गवर्नमेंट इंडस्ट्रीज के कारण, उद्योगों के कारण होता है। अब टेक्नोलॉजिकल यानी इसका असर समाज पर पड़ता है, अ टेक्नोलॉजिकल एक्सपर्ट कैन प्रेशराइज फॉर द रिस्पॉन्सिबल यूज ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी। और अगर कोई एक टेक्नोलॉजिकल एक्सपर्ट है यानी तकनीकी विशेषज्ञ है, वो प्रेशराइज कर सकता है, वो प्रेशर कर सकता है, जोर दे सकता है यानी दबाव डाल सकता है फॉर द रिस्पॉन्सिबल यूज ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी, कि नई टेक्नोलॉजी का, नई तकनीक का एक रिस्पॉन्सिबल यूज हो, यानी एक जिम्मेदार वाला एक प्रयोग, यानी जिम्मेदार युक्त प्रयोग, यानी जिम्मेदारी से उसका प्रयोग किया जाए टेक्नोलॉजी का। एंडर स्टेप, अब जो दूसरा स्टेप है, एंडर स्टेप कैन बी द यूज ऑफ लेस हार्मफुल टेक्नोलॉजी। और एक और जो स्टेप है वो है कि कम नुकसानदेह जो टेक्नोलॉजी है उसका प्रयोग किया जाए, जो भी टेक्नोलॉजीज हैं जो कम नुकसानदेह कम हार्मफुल हैं उनका प्रयोग किया जाए। तो यहाँ कई स्टेप हो गए, एक स्टेप ये हो गया कि ऐसी टेक्नोलॉजी विकसित की जाए जो उन कंप्लेंट्स पर काम करें कि लोग बहुत सारा बेफजूल का यूज करते हैं बिना जिम्मेदारी के टेक्नोलॉजी का, और दूसरा स्टेप ये है कि जो भी नई टेक्नोलॉजी हो उनको दिमाग में, इस चीज़ को दिमाग में रखा जाए कि कहीं उनका ज़्यादा प्रयोग नुकसानदेह तो नहीं। और जो फिर तीसरा इसका स्टेप है वो ये है कि एक ऐसा एक्सपर्ट हो जो प्रेशर डाल सके, जो नई टेक्नोलॉजी यूज करते हैं उनको इस बात के लिए प्रेशर डाल सके कि वे इसका रिस्पॉन्सिबल यूज करें टेक्नोलॉजी का। और फिर एक नया स्टेप और है कि जो हार्मफुल टेक्नोलॉजीज हैं उनका कम यूज किया जाए। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप टू चेक पोल्यूशन इज पब्लिक अवेयरनेस। और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप है पोल्यूशन को रोकने का वो है पब्लिक अवेयरनेस यानी लोक जागरूकता, यानी लोगों की, पब्लिक की जागरूकता, अवेयरनेस। पीपल शुड बी मेड अवेयर ऑफ द इविल इफेक्ट्स कॉज्ड बाय पोल्यूशन एंड ग्रोथ ऑफ ट्रीज शुड बी एनकरेज्ड। अब पीपल शुड बी मेड अवेयर, अब लोगों को मेड अवेयर यानी लोगों को जागृत किया जाना चाहिए ऑफ द इविल इफेक्ट्स यानी बुरे परिणामों के प्रति, प्रभावों के प्रति, कॉज्ड बाय पोल्यूशन, जो पोल्यूशन के कारण बुरे परिणाम होते हैं उन पर लोगों को वो किया जाना चाहिए, अवेयर किया जाना चाहिए। एंड ग्रोथ ऑफ ट्रीज शुड बी एनकरेज्ड, और ग्रोथ ऑफ ट्रीज यानी पेड़ों का जो ग्रोथ है उसको प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, एनकरेज किया जाए, यानी जो ग्रोथ ऑफ ट्रीज यानी पेड़ों का लगाना कि पेड़ कैसे और ग्रोथ करें जो पर्यावरण के लिए बहुत लाभदायक होते हैं, उनके प्रति लोगों को प्रोत्साहित करना चाहिए। देयर शुड बी नो डिफॉरेस्टेशन, डिफॉरेस्टेशन माने होता है जंगल का कटाव करना, तो नो डिफॉरेस्टेशन यानी देयर शुड बी नो डिफॉरेस्टेशन, डिफॉरेस्टेशन अर्थात जंगल का कटान नहीं होना चाहिए। वी शुड बी अकिन टू नेचर, हमें प्रकृति के प्रति जुड़े हुए होना चाहिए, बिल्कुल लगे हुए होना चाहिए। चेक ऑन ग्रोथ ऑफ पोल्यूशन इज ऑल्सो नेसेसरी टू कंट्रोल द इंक्रीजिंग पॉपुलेशन ऑफ द एनवायरमेंट। अब चेक माने रोकथाम, ऑन ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, पॉपुलेशन यानी जनसंख्या की ग्रोथ पर जो रोक है इज ऑल्सो नेसेसरी, ये भी नेसेसरी है टू कंट्रोल द इंक्रीजिंग पॉल्यूशन ऑफ द एनवायरमेंट, कि पर्यावरण का जो बढ़ता हुआ पॉल्यूशन है उसको कंट्रोल करने का एक ये भी साधन है कि ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन पर रोकथाम की जाए।
यानी जो जनसंख्या बढ़ रही है उस पर भी रोकथाम हो। नेक्स्ट हेडिंग कंक्लूजन यानी निष्कर्ष। तो कीपिंग इन माइंड द सीरियसनेस ऑफ द प्रॉब्लम, कीपिंग इन माइंड कि माइंड में रखते हुए द सीरियसनेस ऑफ द प्रॉब्लम कि जो प्रॉब्लम है इसकी गंभीरता को दिमाग में रखते हुए द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज सेट अप द डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरनमेंट टू कंट्रोल पोल्यूशन कि भारत सरकार ने हैज सेट अप, भारत सरकार स्थापित कर चुकी है एनवायरनमेंट स्थापित कर चुकी है द डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरनमेंट कि पर्यावरण के एक विभाग को स्थापित कर चुकी है पॉल्यूशन को रोकने के लिए। द पीपल ऑफ द कंट्री शुड ऑल्सो कॉपरेट विद द एनवायरनमेंट और लोग देशवासियों को भी पीपल ऑफ द कंट्री शुड ऑल्सो कॉपरेट, लोगों को भी कॉपरेट करना चाहिए, सहयोग करना चाहिए एनवायरनमेंट के साथ। तो इस तरीके से ये ऐसे समाप्त होता है, आशा है ये आपको बहुत पसंद आया होगा। तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, साथ में शेयर भी करें व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह में, जिससे अन्य लोग भी इससे लाभान्वित हो सकें। नेक्स्ट वीडियो में आगे मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।